और ये देखें, ये पोनी जो है ना, ये मैं ना अपनी कबर्ड में रखने लगी। गाइस वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ये ना अपनी कबर्ड में रखने लगी हूँ क्योंकि हमारे पास ना पोनीस फिर मिलती नहीं है हमें, तो इसलिए मैं कबर्ड में रखने लगी हूँ कि कभी कोई लॉस हो जाए तो फिर हम जो हैं वो ये निकाल के वेयर कर सके। क्योंकि अभी भी जो है वो ऐसे ही हुआ था कि दो दो हैं हमारे पास, एक मैं मेरी और एक मामा की, तो जो है वो मामा की अक्सर मिलती नहीं है, तो फिर मैंने उनको ये दी थी। तो मामा कह रही हैं कबर्ड में ही रख लो ताकि जो है वो बाद में मिल जाए। देखें ये है चेरी टोमेटो, ये जो है ये छोटे छोटे से होते हैं, आप लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं, ये हमने घर में भी लगाए हैं लेकिन अभी तक जो है वो ग्रोथ उनकी, मतलब ये नहीं ग्रो हुए। तो ये जो हैं ये अभी हमारे पास आए हैं गिफ्ट, तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये ना सैलेड में डलते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों को पता है इनका या आप लोगों ने घर में ग्रो किए हुए हैं, क्योंकि ये बड़े खूबसूरत और छोटे छोटे से मुन्ने से बड़े अच्छे लगते हैं और सैलेड में इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। ये देखें अभी हम जो है वो योगर्ट खाने लगे हैं क्योंकि जो है गर्मियों में योगर्ट बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को इनटेक करना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो गर्मी में अगर आप ये इसका इनटेक रखते हैं तो तबीयत भी ख़राब नहीं होती है। और जो है मामा पानी और दूध की लस्सी बना के पीती हैं हल्का सा नमक डाल के, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये इनटेक अपने ज़िंदगी में रखें ताकि जो है वो आपकी तबीयत ख़राब हो ही ना। यहाँ पे मैं जो हूँ मामा को मलाई ज़्यादा डाल के देती हूँ, इसके अंदर ढूंढ ढूंढ के मलाई डाल के देती हूँ ताकि ज़्यादा इनको पतला ना लगे। ये मुझे नहीं पता कि ये मुझे लग रहा है कि वहाँ से नहीं आया जहाँ से हम लेकर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन मैं मलाई जो है वो ढूंढ ढूंढ के उनको निकाल के दे रही हूँ। और अभी मैं भी खाऊंगी। ये देखें ये वैसे जो है ना दही बहुत अच्छा होता है, ये वाला दही ये हमारे घर के ना करीब मिलता है तो बड़ा अच्छा होता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का इंटेक है दही का और कितना आप लोग दही खाते हैं, और ठंडा नहीं रूम टेम्परेचर का जो होता है वो खाना चाहिए ताकि आप लोगों के गला भी ख़राब ना हो। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले जो हमने प्लांट लगाया हुआ है, इसका पता नहीं क्या मामा नाम एक लेती हैं, मामा से अभी पूछ के आपको बताऊँगी। इसे देखा नहीं था ये कड़ी पत्ता है। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने आप लोगों को बताना था कि मामा का जो चैनल है पर्सनल, उसके ऊपर मामा ने वीडियो डाली है फातिमा भुट्टो की, जो कि भुट्टो फैमिली से हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने उनकी जो शादी हुई है उसके ऊपर उन्होंने वीडियो डाली है कि किस तरह से उन्होंने शादी की है, ज़रूर उसको देखिएगा। आगे जो है आज भी एक वीडियो डलेगी, वो उनसे उनकी शादी पे ही होगी, उनसे रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। मैं जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। एक और बात है कि अभी मैं जो हूँ वो एक चीज़ बनाने लगी थी, बड़े वो ना देखने से भी यमी लगती है और वैसे भी यमी होती है, तो वो हम घर में अक्सर नहीं बनाते, तो वो मैं बनाने लगी थी लेकिन उसके लिए जो है वो पोटैटो की ज़रूरत थी, पोटैटो अवेलेबल नहीं था, तो फिर अब वो पेंडिंग हो गई है। तो अब जो है वो आपको कल परसों जो है वो रेसिपी मैं व्लॉगिंग के साथ ही आप लोगों को बताऊंगी, बड़े यमी है, आप लोग भी खा कर मज़ा करेंगे उसको, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो क्या चीज़ है। इधर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी तरह जो है वो व्लॉग्स को देखते रहें और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी रखते रहें। बाय।